आप देख रहे हैं GIC एजुकेशन। GIC एजुकेशन के सभी वीडियो के लिए आप ब्राउज़र में टाइप करें youtube.com/GIC Education। GIC एजुकेशन के आज के इस वीडियो में आपको 3 सितंबर 2018 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले डेली करंट अफेयर्स वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अगर आप इस करंट अफेयर्स वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहला विकल्प 5वें, दूसरा विकल्प 7वें, तीसरा विकल्प 8वें, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारत 8वें स्थान पर रैंकिंग में रहा है। इसका विकल्प सी सही है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसने लॉन्च किया है? पहला विकल्प रामनाथ कोविंद, दूसरा विकल्प प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा विकल्प नरेंद्र मोदी, चौथा विकल्प सुषमा स्वराज। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में 6वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? पहला विकल्प सिंगापुर, दूसरा विकल्प अमेरिका, तीसरा विकल्प जापान, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 6वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 किस नाम से आयोजित किया गया? पहला विकल्प बेकअप, दूसरा विकल्प परफॉर्म, तीसरा विकल्प रन, चौथा विकल्प मूव। तो हाल ही में भारत का पहला विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 मूव नाम से आयोजित किया गया। इसका विकल्प डी सही है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों के निर्माण के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? पहला विकल्प मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प अरुणाचल प्रदेश, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने 3 नए जिलों के निर्माण के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। इसका विकल्प सी सही है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जल आपूर्ति की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने 929.87 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? पहला विकल्प हिमाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प दिल्ली, तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जल आपूर्ति के लिए विश्व बैंक ने 929.87 करोड़ रुपए की मंजूरी जो दी है वो हिमाचल प्रदेश को दी है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? पहला विकल्प रजत पदक, दूसरा विकल्प कांस्य पदक, तीसरा विकल्प स्वर्ण पदक, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका विकल्प सी सही है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही है? पहला विकल्प 8.2%, दूसरा विकल्प 9.3%, तीसरा विकल्प 7.1%, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अप्रैल तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 8.2% रही है। इसका विकल्प ए सही है। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में कृष्ण कुटीर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला विकल्प जयपुर, दूसरा विकल्प भोपाल, तीसरा विकल्प वृंदावन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कृष्ण कुटीर का उद्घाटन वृंदावन में हुआ है। इसका विकल्प सी सही है। दसवां क्वेश्चन, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पानी के सबूतों की पुष्टि की है? पहला विकल्प मंगल, दूसरा विकल्प बृहस्पति, तीसरा विकल्प बुध, चौथा विकल्प शुक्र। तो हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह पर
पानी के सबूतों की पुष्टि की है, इसका विकल्प भी सही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ उपस्थित होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।